अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सरमद है। आज के सेशन में हम यह सीखेंगे कि आप गूगल डॉक्स के ज़रिए फॉर्म्स को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। वेरी सिंपल सी ट्रिक है। आप इस तरह फ्री कॉन्टैक्ट फॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं यूजिंग गूगल डॉक्स। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आना है आपने, एंड अपने ड्राइव में जाएंगे, दैट इज़ drive.google.com। के पास आपकी ड्राइव शो हो गई है, देन आपने जाना है होगा फॉर्म्स में, या आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं यहाँ से, जो कि फॉर्म्स का उसको नेम दे सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, सो मैं इसमें आता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म डेवलप्ड है जो कि मेरी वेबसाइट से लिंक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, samadgarthaji.com/contact, सो ये फॉर्म ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट पर डिवेलप करके यूज़ किया हुआ है। सो ये फॉर्म है, ये आपको यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप उसे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं docs.google.com और सेलेक्ट, ये आपके पास एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो गया। ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म है, आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस या किसी मोबाइल डिवाइस से भी इसको खोल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये फॉर्म आप इस तरह अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। सो ये हम कैसे बनाएंगे, सो आप ये देखें। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है अपनी ड्राइव पर, तो एक न्यू फाइल बना देनी है। न्यू में आए एंड मोर एंड गूगल फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स पे आ जाएं। इसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं यहाँ से, डेमो फॉर्म, और देन यहाँ पे आवर कॉन्टैक्ट, डेमो कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैं इसको ये नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये एरो देख रहे होंगे एड ऑन्स का, तो ये एड ऑन्स आपको इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने ये अपने बिट लिंक बना दिया है, ये bit.ly/sarmadgarthaji form। ये आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी ये लिंक देख सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे आके इस लिंक पे आ जाता हूँ। सो अब आप ये आपको गूगल एड ऑन्स पे ले आएगा, तो आपने यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर देना है। वो आपसे परमिशन मांगेगा एक, तो फर्स्ट टाइम आपने उसको परमिशन दे देनी है ताकि वो आपकी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सके। आफ्टर डैट आपके पास यहाँ पे एक आइकन शो हो जाएगा ये वाला एड ऑन्स का, तो फिर आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने अपने फॉर्म को डेवलप करना है। सो आपके पास यहाँ पे क्वेरीज आ रही हैं डिफरेंट, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से आके मल्टीपल चॉइस, अगर मल्टीपल चॉइस का मतलब है आप इसको सिलेक्शन ऑप्शन दे सकते हैं। सो हमने करना है शॉर्ट आंसर, एंड देन यहाँ पे मैं इसको देता हूँ नेम, एंड दिस नेम इज़ रिक्वायर्ड, ताकि ये आदमी इस फॉर्म को स्किप ना कर सके इस फील्ड को नेम की। देन इसी की डुप्लीकेट बना देते हैं यहाँ से, एंड देन इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन अगेन रिक्वायर्ड, और फिर डुप्लीकेट बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लोकेशन, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ मल्टीपल ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसको दे सकते हैं पाकिस्तान, और देन नॉन पाकिस्तानी। सो अब यहाँ से कोई भी अपनी लोकेशन रख सकता है, एंड देन ये भी रिक्वायर्ड है, एंड अगेन डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ शॉर्ट आंसर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैसेज, बल्कि शॉर्ट नहीं, यहाँ से हम इसे कर देते हैं पैराग्राफ, ताकि कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सके। सो अभी हमने एक बिल्कुल शॉर्ट सा एक फॉर्म डेवलप कर दिया है जो आप अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। अब आपने आना है एड ऑन्स पे, और देन इनेबल नोटिफिकेशन फॉर फॉर्म्स, इस पर आपने क्लिक किया तो आपसे ये कुछ ऑप्शंस मांगेगा। आपने यहाँ से करना है क्रिएट न्यू रूल। अब हम इस फॉर्म के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई ये फॉर्म आके फिल करे तो आपको एक बाकायदा ई मेल आ जाए आपके ई मेल एड्रेस पर। सो आपने यहाँ से करना है क्रिएट न्यू रूल, तो आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप विंडो अपलोड आ जाएगी, जो ये आ गई है। यहाँ पर आपसे ये नेम मांग रहा है, सो आपने यहाँ पर अपने सेंडर का फुल नेम लिखना है, सो आई एम गोना राइट माय नेम हियर। फिर आपके पास ईमेल बताना है कि जहाँ पे आपको ईमेल है। अगर आप यहाँ पे दो से ज़्यादा ईमेल्स लिखना चाहते हैं, देन कॉमे के बाद आप एक और ईमेल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप जानना चाहते हैं। और नोटिफायर सबमिटर के जिसने इस फॉर्म को फिल किया है उसको भी ईमेल जाए, तो उसको आप यहाँ से ऑप्शन रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने उसको करना है वेट अ मोमेंट, यहाँ पे हमें एक फील्ड और ऐड करनी पड़ेगी जो कि होगा ईमेल, और यहाँ से शॉर्ट आंसर आई एम गोना ड्रैग इट राइट हेयर।
ठीक है, तो ये एक फॉर्म बन गया। अब हम यहाँ से दोबारा आएंगे, इनेबल नोटिफिकेशन फॉर्म एंड देन क्रिएट न्यू रूल, देन विंडो अपीयर्स अगेन। यहाँ पे नेम लिखना है आपने, और यहाँ पे ईमेल एंड नोटिफाई द ईमेल, और यहाँ से अब आपने इसको रख देना है ईमेल, ताकि जो भी आदमी अपनी ईमेल लिखे उसको भी ईमेल चाहिए। अगर आपने कोई अटैच पीडीएफ की कॉपी भेजनी है तो आप यहाँ से इसे दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको अनचेक रखेंगे एंड देन कंटिन्यू। अब आपके पास कुछ नई फील्ड आ गई है ईमेल सब्जेक्ट, तो ईमेल सब्जेक्ट में आपने यहाँ से आके नेम सेलेक्ट कर देना है, नेम योर ईमेल हैज बीन सबमिटेड, ठीक है, यहाँ पे ये लिखते हैं। अब आपके पास फॉर्म ईमेल की बॉडी शो हो रही है, तो ईमेल की बॉडी से मतलब ये है कि तमाम फील्ड्स हैं वो यहाँ पे ऑल आंसर्स हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक आंसर्स लगाना चाहते हैं कि जस्ट ये ऑप्शंस आएँ, तो आप यहाँ से वो ऑप्शंस लगा सकते हैं, जस्ट नेम आपको आए या जस्ट ईमेल आए, जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर, जस्ट लोकेशन एंड जस्ट मैसेज। अगर ऑल आंसर्स हैं तो ये जितनी फील्ड्स हैं ये सब आपको यहाँ पर ईमेल में आ जाएंगी। एंड देन क्रिएट रूल, सो हमारा रूल क्रिएट हो गया है, ये आपसे प्रीमियम मांग रहा है, तो हम इसको नो थैंक्स कर देते हैं, और फाइनली हमारा रूल क्रिएट हो गया। अब हम इस फॉर्म को व्यू कर देते हैं, तो ये नेक्स्ट आई आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आपने इसको व्यू करना है, तो हम इसको न्यू टैब में व्यू कर देते हैं। अब आपके पास ये फॉर्म आ गया है, आप देख सकते हैं पूरा। अब हम इसको फिल करते हैं, यहाँ पर ई मेल में हमें दूसरा ई मेल कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन पाकिस्तानी और मैसेज सो यहाँ पे मैंने ये कुछ फील्ड को फिल किया है इस फॉर्म को। अब जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको फॉर्म इसी तरह डिस्प्ले होगा एंड देन सबमिट, सो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आप एक और रिस्पॉन्स करते हैं, अब हमने जाना है अपने ईमेल एड्रेस में टू चेक कि हमें ईमेल आ गई या नहीं। हियर इट इज, दिस इज मी के नेम से ईमेल है, क्योंकि मैंने अपने ही ईमेल से इस फॉर्म को सबमिट किया है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, योर फॉर्म हैज़ अ न्यू एंट्री, हेयर आर द रूल्स, नेम जो मैंने नेम लिखा था, माई ईमेल एड्रेस जो मैंने फॉर्म में ईमेल लिखा था, कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन पाकिस्तान एंड दिस इज़ मैसेज बॉडी। सो इस तरह आप अपनी वेबसाइट पे फ्री कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, और आप अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं यूजिंग गूगल डॉक्स। थैंक्स।